मनुष्य भव, जैन कुल, सत्यवाणी और वाणी को समझने की योग्यता, महान पुण्योदय से प्राप्त ये दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि आत्मकल्याण में विलंब किया तो पछताना पड़ेगा। यही प्रेरणा दे रही है प्रस्तुत कथा दुर्लभ मनुष्य जीवन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गात मंगल मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। देखो बच्चों, आज हम विचार करेंगे कि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और समय रहते हमें अपना कल्याण कर लेना चाहिए। देखो, वैसे तो प्रत्येक जीव अनादि अनंत है। जीव का ना जन्म है और ना मरण। जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसे छोड़कर अन्य वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से ये जीव शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है और फिर उसे छोड़ करके अन्य शरीर धारण करता है। इस प्रकार शरीर के संयोग की अपेक्षा जन्म और वियोग की अपेक्षा मरण कहने में आता है। जीव तो जन्म मरण रहित अनादि अनंत है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। लेकिन अपनी पहचान न होने से और शरीर आदि में एकत्व पदा होने के कारण ये जीव बारंबार नए नए शरीर धारण करता है। इसी अज्ञानता से अनंतानंत जीव अनादि से निगोद में है। उनमें से कुछ बिरले जीव भाड़ में से उठते बिरले चनों की भांति निगोद से एकेंद्री पर्याय में आते हैं। वहाँ भी वे लंबे काल तक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इन पर्यायों में जन्म मरण करते रहते हैं। उनमें से भी कुछ बिरले ही जीव बड़ी दुर्लभता से दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री पर्यायों में आते हैं। यहाँ तक तो ठीक, परंतु उसके उपरांत मनुष्यपना, आर्य कुल, जैन धर्म और शरीर से भिन्न आत्मस्वरूप को समझाने वाली जिन वाणी का योग मिलना तो उत्तरोत्तर और भी कठिन है। लेकिन बच्चों, ऐसा ये दुर्लभ संयोग हमें महान भाग्य से प्राप्त हुआ है। ऐसे समय में निज आत्मा को पहचान कर हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सम्यक ज्ञान के बिना यदि इस अवसर को गंवा दिया तो जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ अमूल्य रत्न फिर से हाथ नहीं आता, उसी प्रकार इस भव समुद्र में ये मनुष्य भव और स्वयं की पहचान करने का अमूल्य अवसर पुनः मिलना कठिन। ये मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी, यही विध गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समा। देखो बच्चों, जिनवर अरहंत देव तीर्थंकर परमात्मा का प्रवाह अनादिकाल से इस जगत में चलता चला आ रहा है। मात्र 24 तीर्थंकर नहीं, अनंत तीर्थंकर हुए और वर्तमान में भी विधेय क्षेत्र में सीमंदर भगवान, 20 तीर्थंकर भगवंत, लाखों अरहंत केवली वहाँ विराजमान हैं। यहाँ इस भरत क्षेत्र में भी 2600 वर्ष पहले श्री महावीर स्वामी हुए। इन जिनवर भगवंतों ने जिन जीवादि तत्वों को जाना और उपदेश दिया, उन्हीं तत्वों का उपदेश कुंद आचार्य आदि वीतरागी संतों की परंपरा से और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की कृपा से आज भी चल रहा है। देखो बच्चों, ऐसा मनुष्य भव जिनवाणी का योग हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए मिला है, जन्म मरण के नाश के लिए मिला है। अपने हाथ में आए इस चिंतामणि रत्न को विषय कषाय के समुद्र में फेंक कर अब संसार नहीं बढ़ाना है।
अनंत काल से आत्मा एक भव से दूसरे भव में भटका है, अब इस भव भ्रमण को मिटाना है। देखो बच्चों, लाखों करोड़ों रुपया मिले, बंगला मिले, कार मिले, उसको यहाँ सुयोग नहीं कहा, अपितु आर्य मनुष्य बना, उत्तम जैन कुल, वीतराग वाणी का श्रवण जो आत्मा की पहचान में निमित्त रूप हो, उसे यहाँ सुयोग कहा है। भले गरीब हो, कुरूप हो, परंतु वीतराग वाणी से, जैन धर्म के संस्कार से आत्महित कर सकता है। ऐसा सुयोग पाकर अब संसार के झंझट में, लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में और विकथाओं में व्यर्थ बर्बाद करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, ऐसी आचार्य बारंबार प्रेरणा करते हैं। परंतु मोहों के वशीभूत प्राणी इस अमूल्य मनुष्य जीवन को यूं ही व्यर्थ बर्बाद करके यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, बालपने में ज्ञान न लहयो, तरुण समय तरुणी रत रहयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आप। बच्चों, आज हम तुम्हें चेतन कुमार से मिलाते हैं, जो कि पंडित जी के द्वारा समझाए जाने पर भी, बार बार समझाए जाने पर भी नहीं समझा, नहीं चेता और अंत समय पछताता हुआ यहाँ से खाली हाथ चला गया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र बेटा। बैठिए पंडित जी। पंडित जी, आज मेरा जन्मदिन है। अरे बेटा, तुम इस नश्वर देह का जन्मदिन मना रहे हो? जन्मदिन का अर्थ यही तो है ना, कि आज से 12 वर्ष पूर्व इस नश्वर देह का तुम्हारे साथ संयोग हुआ। कब इसका वियोग हो जाएगा, इसका एक पल का भी भरोसा नहीं है। पंडित जी, आज मेरा जन्मदिन है, ऐसे शुभ दिन तो मरने मराने की ऐसी अशुभ बातें ना कीजिए। अभी तो मैंने जिंदगी में सुखी क्या देखे हैं? अरे बेटा, इस दुख भरे असार संसार में सुख ढूंढना ही अज्ञान है। यह महंगा जीवन तो इस भूल भुलैया रूपी संसार से निकलने के लिए खुले दरवाजे के समान है। अब अवसर चूकना योग्य नहीं है बेटा, कल से मंदिर आना शुरू करो। मंदिर? पंडित जी, मंदिर अभी कहाँ से? पंडित जी, अभी तो मैं कुल 12 वर्ष का हूँ, अभी तो मुझे अपना कैरियर बनाना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। अरे बेटा चेतन, इच्छाएं तो अनंत हैं, हर एक में दुख है। यदि अपना भला चाहो तो संतोष में सुख है, और यह संतोष रूपी धन धर्म करने से ही प्रकट होता है। अरे पंडित जी, धर्म करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं, और फिर पढ़ लिख कर कुछ बनना भी तो है, क्योंकि अगर कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। हाँ, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होते ही मंदिर आना निश्चित रूप से शुरू करूंगा। और हाँ पंडित जी, मैं शादी वादी के चक्कर में भी नहीं पड़ूंगा, केवल धर्म करूंगा, धर्म। अच्छा पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। बच्चों, काल की गति को किसने रोका है? 15-20 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। चेतन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया, शादी न करने का वायदा तो दरकिनार, शादी हो गई, दो बेटे हो गए, और संयोगवश पंडित जी से फिर मुलाकात। पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। अरे तुम तो चेतन हो ना, बड़े हो गए हो इसलिए पहचानने में समय लग गया। अरे तुम ये लदे फदे कहाँ जा रहे हो, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? पंडित जी, आज मेरा नहीं, मेरे बेटे का जन्मदिन है। अच्छा, तो क्या तुमने शादी भी कर ली? तुम तो कहते थे कि मैं शादी नहीं करूंगा, युवावस्था में धर्म करूंगा।
पंडित जी, आप तो जानते ही हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खा कर ही पछता लिया जाए। अरे बेटा, अब तो अपनी पत्नी और बच्चों सबको लेकर मंदिर आया करो। अपने पूरे परिवार को कल्याण के मार्ग पर लगाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। मंदिर पंडित जी, मंदिर कहाँ पंडित जी, अभी तो हमें मरने की भी फुर्सत नहीं है। सुबह उठो, नहाओ धो, बच्चों को स्कूल छोड़ कर आओ, दिन भर दफ्तर में, और घर आकर बच्चों को होमवर्क कराओ, और फिर थोड़ा समय अपनी पत्नी और बच्चों को घुमाने फिराने को भी तो चाहिए ना। अरे बेटा, मेरा कहना मानो, बहुमूल्य समय यूं व्यर्थ ना गवाओ। यह जवानी तो काने गन्ने के समान है, जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, उसी प्रकार इस मनुष्य पर्याय का बालक व वृद्ध पना तो सुख योग्य ही नहीं है। तथा जिस प्रकार काने गन्ने की बीज की पोरे काने होने से वे भी चूसी नहीं जाती, कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, लेकिन यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हों और उनका स्वाद बहुत मीठा आए, उसी प्रकार इस मनुष्य पर्याय की बीज की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है, इसमें सुख नहीं हो सकता। कोई विषय सुख का लोभी इसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, लेकिन यदि इस अवस्था को धर्म साधना में लगाए तो बहुत उच्च पद पाए, यहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। कुछ समझ में आया बेटा? बहुमूल्य समय यूं व्यर्थ ना गवाओ, मंदिर आया करो। आऊंगा पंडित जी, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन जिंदगी के थोड़े मजे तो ले लूं। और वैसे भी अभी बच्चों की जिम्मेदारी है, उन्हें पढ़ा लिखा कर कमाने खिलाने लायक न बनाया तो जिंदगी भर कोसेंगे कि अपने आप तो मंदिर में बैठे रहते हैं और हमारी फिक्र ही नहीं है। अच्छा छोड़िए इन सब बातों को पंडित जी, आप हमारे घर आइएगा। आऊंगा बेटा, पहले तुम मंदिर तो आना शुरू करो। मंदिर तो मैं जरूर आऊंगा पंडित जी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों से मुक्त तो हो जाऊं। अच्छा पंडित जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। बच्चों, समय ने फिर अपना रूप दिखाया, घर की बाहर की जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते जवानी कहाँ चली गई और वृद्धावस्था ने कब आकर शिकंजे में जकड़ लिया, चेतन कुमार को पता ही नहीं चला। वर्षों बाद पुनः पंडित जी से फिर मुलाकात हुई। मैं क्या कर रहा था? उठाई हुई थी, क्यों हुई थी? होमवर्क क्यों नहीं करा था? जय जिनेंद्र चेतन। जय जिनेंद्र पंडित जी, आइए बैठिए। अरे चेतन, तुम तो बूढ़े हो गए हो, और तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है? पंडित जी, यह मेरा पोता है, अभी इसे स्कूल से लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या तुम्हारे बेटे की भी शादी हो गई और तुम दादा भी बन गए? तो फिर अभी तक तुमने मंदिर आना शुरू क्यों नहीं किया? अब तो बहुओं को घर सौंप कर अपनी पत्नी को लेकर तीनों समय मंदिर आया करो। अरे, अब तो जिंदगी की शाम हो गई है, मौत दरवाजे पर खड़ी है, अब भी समय रहते अपना कल्याण कर लो। पंडित जी, मेरी पत्नी का तो स्वर्गवास हो गया है, और जहां तक मेरे मंदिर आने का समय घर की ही चौकीदारी करनी पड़ती है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? पंडित जी, मेरे दोनों बेटों की पत्नियां यानी दौरानी जिठानी आपस में इतना झगड़ती हैं, यदि मैं घर में ना रहूं तो दोनों लड़ मरे। पंडित जी, यदि आपको विश्वास ना हो तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। सब विश्वास है, आगे कहो। पंडित जी, मेरे घर की तो बहुत बुरी परिस्थिति है,
पंडित जी, मैं क्या करूं? अब आप ही बताओ मैं कहां जाऊं? मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया है। अब कुछ उम्मीद बंधी है शांति की। 15-20 दिन बाद मेरा छोटा लड़का ऑफिस की तरफ से विदेश जा रहा है, उसकी घरवाली भी जाएगी। मुझे तो तभी चैन की सांस आएगी। मैं तो उसी दिन के इंतजार में जिंदा हूं। और पंडित जी, इधर लड़का विदेश गया और उधर मैंने मंदिर आना शुरू किया। पंडित जी, अब तो मैंने भी खूब दुनिया देख ली है, कहीं भी सुख नहीं है। बस पंडित जी, अब तो 15-20 दिन की ही बात है। 15-20 दिन बाद? चेतन, तुम मंदिर नहीं आ सकते। तुम बाल्यावस्था में नहीं आए, तुम युवावस्था में भी नहीं आए, और अब भी 15-20 दिन बाद? क्या करूं पंडित जी, बेटों और पोतों का राग छूटे नहीं छूटता। इन बहुओं का क्या भरोसा, घर फूंक कर तमाशा कर बैठे तो मेरे इन पोतों का क्या होगा? पर मैंने आपसे वादा किया ना, 15-20 दिन की ही तो बात है। फिर तो मैं 24 घंटे मंदिर जी में ही रहा करूंगा। अरे मूर्ख, तू इस स्वाति कुटुंब परिवार के लिए अपना यह महंगा जीवन व्यर्थ गवा रहा है। जब अगले पल का भी भरोसा नहीं तो फिर 15-20 दिन की तो बात ही क्या? हे प्रभु, यह धर्म की अलौकिक बात लगता है इस पंचम काल में कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। और बच्चों, पंडित जी चेतन कुमार को एक पुस्तक स्वाध्याय के लिए देकर वहां से चले आते हैं। 15 दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि चेतन कुमार लड़खड़ाकर गिर पड़े, कमर की हड्डी टूट गई, बिस्तर से लग गए और दुखी होते हुए पंडित जी द्वारा दी गई पुस्तक का स्वाध्याय करने की कोशिश करते हैं, परंतु कुछ दिखाई ही नहीं देता। दिखाई भी देता है तो बुद्धि की मंदता से कुछ समझ ही नहीं आता। बहुत दुखी होते हैं, पछताते हुए सोचते हैं कि पंडित जी ठीक ही कहते थे कि धर्म का कार्य तो तरुण अवस्था में ही कर लेना चाहिए, कि जब पास में पैसा होता है, निरोगी काया होती है और इंद्रियों की सक्षमता बनी रहती है। लेकिन हाय हाय, मैंने अपनी युवावस्था में धर्म की प्राप्ति का उपाय नहीं किया। बाल्यावस्था में ज्ञान की कमी से मात्र खेलकूद में, यौवन अवस्था में विषय भोगों में और मध्य अवस्था में घर के झंझटों में और वृद्धावस्था में इंद्रियों की हीनता और बाहरी प्रतिकूलताओं में व्यर्थ ही खो दिया। अब निजात्मा का कल्याण कैसे करें? लेकिन बच्चों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और यूं ही रोते बिलखते चेतन कुमार इस संसार से विदा हो गए। देखा बच्चों, यही अवस्था हम सबकी है। सम्यक दर्शन के हित शैशव खेल कूद में खोया है, तरुण अवस्था श्रावकपन की तरुणी के संग सोया है, मध्य अवस्था मुनि बनने की खोदी गोरख धंधे में, और वृद्धपना अरिहंत दशा हित गया मौत के फंदे में। देखो बच्चों, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों ही अवस्थाएं हम वर्तमान जीवन को सुखी बनाने में और जगत को सुधारने की उधेड़ बुन में ही व्यर्थ खो देते हैं। इसके लिए हम जो कुछ भी करते हैं वे सब रेत के घरौंदे ही साबित होते हैं, जो ढह जाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं।
जो वाणी गंधर्व देव आदर से सुनते हैं, जिसे सुनने के लिए स्वर्ग के इंद्र भी इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, जिस वाणी को चक्रवर्ती भी अत्यंत भक्ति से सुनते हैं, आत्मा का अद्भुत स्वरूप बताने वाली ऐसी जिन वाणी हमें यहाँ वर्तमान में सुनने को मिली है, तो उस वाणी का चिंतवन करके यदि यहाँ आत्मदृष्टि नहीं की, चैतन्य स्वरूप निज भगवान आत्मा की पहचान नहीं की और अज्ञानता में जीवन गंवा दिया, तो हाथ में आया हुआ ये अमूल्य मनुष्य भव रूपी चिंतामणि रत्न खोकर हमें भी चेतन कुमार की तरह पछताना पड़ेगा। इसलिए हम सब सम्यक दर्शन प्राप्त करके इस अमूल्य मनुष्य भाव को सफल करें, इसी भावना के साथ बच्चों जय जिनेंद्र।